जय हिंद एवरीवन। दोस्तों पवन कुमार यादव जो झारखंड का रहने वाला है, जो हमारे फौजी भाई है, दोस्तों उनके साथ बहुत गलत हुआ है। दोस्तों पवन कुमार जो है, जो फौजी भाई हो, मास्क नहीं लगाने के कारण उनको पुलिस वाले ने रुका है और उतना बेरहमी से मारा गया उनको। मैं क्या बताऊं, मैं वीडियो क्लिप नहीं दिखा सकता आप लोगों को, मतलब कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करेगा मेरे हिसाब से। इतना बेरहमी से उनको पीटा गया है और पवन कुमार यादव जी यही बोल रहे थे। दोस्तों वहाँ पे रहने वाला एक दोस्त है, उसने मेरे को हर चीज़ बताया है इंस्टाग्राम पे कि वो बार बार यही बोल रहा था कि मैं एक फौजी हूँ, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुना है। उनको इतना मारा गया, क्या बताया आप लोगों को। मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, ये फोटो है, मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा आप लोगों को। मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना आप लोगों को, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिए। मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो क्लिप को क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे। दोस्तों मैं अभी आप लोगों को एक सवाल पूछूंगा, हो सके तो उसका जवाब दीजिएगा। आजकल कौन मास्क लगा रहा है मुझे ये बताइए। मैं बोलूंगा 100 में से 90% लोग इस सिचुएशन में कोई मास्क नहीं लगाता है, और ऊपर से एक फौजी भाई जो चलो यार मान लिया गलती हो गया उनको, लेकिन उनके साथ इतना तो नहीं करना चाहिए था ना। इतना मैं यही बोलूंगा, जो भी हुआ उनके साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जो सच्चे ईमानदार पुलिस वाले हैं मैं उनको दिल से सैल्यूट करूंगा, और जो ऐसे घिनौनी हरकत करते हैं यार वो तो बुरा लगता है ये सब देख के। और क्या बताएं, मैंने बहुत से ऐसे देखा है जो बिना मास्क से ड्यूटी करते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। ऊपर से एक फौजी भाई भी है, देश के लिए हमेशा ड्यूटी करते हैं, सरहद पर दिन रात ड्यूटी करते हैं, लेकिन यार उनके साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था। जो भी हुआ है गलत हुआ है। चलता हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ इन भाई को इंसाफ मिले, हमारे फौजी भाई को, हम यही चाहते हैं। और अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का भी ध्यान रखें, और दलालों से दूर रहा करिए। जय हिंद जय भारत।